बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि लेट काश्ता बारिया मकई या चारे के लिए काश्ता या साइलेज के लिए जो है अप्रैल मई में काश्ता मकई है, उससे फाल आर्मी का हल क्या है। देखिए, काश्तकार जो है ना, अब इसके तकरीबन आदि हो गए हैं, काफ़ी मालूमात उनके पास पहले ही मौजूद हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि जनवरी फरवरी काश्ता जो बारिया मकई है ना, उसमें तो वो तो फाल आर्मी के अटैक से बाहर निकल चुकी है, लेकिन वस्त मार्च के बाद काश्ता और गंदम के बाद जो चारा जात के लिए साइलेज के लिए जब ये काश्त करना है ना, तो इसके ऊपर ये वैश्याना तरीके से हमला हो सकता है। गर्मी जब यूं यूं गर्मी आनी, लेकिन इस दफ़ा ये है कि खुशी की बात यह है कि अभी तक मौसम ठंडा जा रहा है। ठंडा मौसम होने की वजह से अभी तक इसका हमला जो है ना वो नहीं है जो पिछले सालों में हुआ था, तो इस वजह से ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी मैं अर्ज करता हूँ कि अगर एक बंदा कहता है यार कम कीमत दवाई बताई जाए ताकि जो है ना कम खर्च के साथ जो है ना इसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो देखें जी, सियाने बंदे को चाहिए कि वो मकई काश्त करने के 10, 20 और 30 दिन पर यानी 3 मरतबा एमएमएक्टन प्लस लू फेनुरान अच्छे तरीके से स्प्रे कर दे, या एमएमएक्टन के साथ फिप्रोनिल मिला ले, ये इन दोनों में से जो भी ऑप्शन रख लेगा ना, लेकिन स्प्रे 3 मरतबा करे, अच्छी तरह स्प्रे करेगा तो वो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है। ये तो हम अक्सर काश्तकार यही करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि खुद जहरें मलाने के बजाय ना इसमें गलती भी हो सकती है। बेहतर यही है कि मिली मिलाई दवाई ले लें, उसमें उसका मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हल जो है ना, मैंने खुद इसको आजमाया हुआ है, कोराजन ले लें, क्लोरेंटा नीली प्रोल है, या वाइएगो ले लें, वाइएगो बायर की है, तो इसके टाटा नीली प्रोल है जो कि क्लोरेंटा नीली प्रोल के बाद में आया, वो कंपेरेटिवली न्यू केमिस्ट्री है, तो उसका जो ना कंट्रोल ये कोराजन से भी ज़्यादा दिनों के लिए होता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक ले लें जो 10 दिन के ऊपर और 20 दिन के ऊपर 2 मरतबा स्प्रे करने से काम चल जाएगा, खर्चा तकरीबन उतना ही हो जाना है। बाकी जिन काश्तकारों के लिए यह है कि मनी इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सफाई होनी चाहिए, तो साफ जाहिर है कि स्पिंटोराम जो है ना, यानी कि डेलीगेट 60 ग्राम या रेडिएंट 80 मिलीलीटर, ये इनके 2 स्प्रे 10 और 20 दिन के वक्फे से कर दें, तो बाकी तमाम के मुकाबले में ना ये मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी इतनी ज़्यादा है कि बस ना इनका जिक्र ना करना ही बेहतर था। एक मैं अर्ज करूँ कि फाल आर्मी के हवाले से अगर जो भी दवाई आप करें ना, बर वक्त इसको पहचान करें, पहली दूसरी और तीसरी इंस्टार के ऊपर जो है ना अगर आप स्प्रे कर देंगे ना, और ख़ास तौर पर स्प्रे के दौरान जो ना कोम्पल के अंदर पानी जाए ना, तो ये मर जाता है। जब ये सुंड बन जाता है ना, बड़ा हो जाता है, तो माड़ी दवाई जो है ना उसको उसे तो मरता ही नहीं है ये।